मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में सीपी जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे पर करूं? इस लैंग्वेज में वो 7 साल निकाले हैं, फिर भी राजस्थान में हमारा कल्चर ऐसा है, हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में लगे कि राजस्थान में आपस में लड़े लड़ रहे हैं। एक शब्द किसी ने नहीं बोला उनके खिलाफ, इतना उनका मान सम्मान रखा। कैसे सम्मान दिया जाता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को, वो मैंने सब कुछ सिखाया है राजस्थान के अंदर। कैसे प्रदेश अध्यक्ष जी आए तो खड़े होना चाहिए हम लोगों को। उम्र पीछे है, पद बड़ा होता गरिमा का। ये तमाम कल्चर मैंने सीखा है यहाँ के नेताओं को, मान सम्मान दिया पूरा, सब कुछ किया। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोंके जाने के लिए तैयार हो जाए, ये जो खेल अभी हुआ है ये 10 मार्च को होता, 19 को चुनाव थे रसवा के, 10 मार्च को रात को 2 बजे गाड़ी रवाना होगी यहाँ पर मानेसर के लिए। सुबह राजेश पायलट साहब की मूर्ति की पुण्यतिथि थी, माल्यार्पण होगा, कुछ लोग वहाँ से जाएंगे, सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और आगे चले जाएंगे। उस कॉन्स्पिरेसी को मैंने एक्सपोज किया, सबको बुलाया, उसमें 10 दिन रहना पड़ा होटल के अंदर। अच्छी बात है क्या? ये अच्छी बातें नहीं है। सुनिए, इस रूप में ही चला है पूरा खेल चला है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, AICC अध्यक्ष बनने की जब ख्वाहिश देखे तभी बॉम्बे का कॉरपोरेट हाउस जो है, बॉम्बे के कॉरपोरेट हाउसेज के लोग उनको स्पॉन्सर करें, अध्यक्ष AICC का बने, स्पॉन्सरशिप हो रही बॉम्बे से कॉरपोरेट हाउसेज की, क्योंकि आप कॉरपोरेट मिनिस्टर रहे थे। अभी वकील साहब बोल रहे लंदन से, कौन है वकील? वो हरीश सालवे जी लंदन से। किसके वकील है? कॉर्पोरेट हाउसेज के वकील बने हैं। इनकी फीस कितनी होती है? एक पेशी की 50 लाख होती है, 40 लाख होती है, 30 लाख होती है, वो लोग हैं। दूसरा वकील कौन है? कौन वकील दूसरे? मुकुल रोहतगी साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और BJP के खास चहेत थे, वो खड़े हैं यहाँ पे। उनकी फीस भी 50-40 लाख है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या पायलट साहब ये से दे रहे हैं पैसा? कहाँ से आ रहा है सर पैसा? इस ये पूरी कॉर्पोरेट हाउस लगी हुई है। इस देश का कॉर्पोरेट घराने के ऐसे हैं जो नहीं चाहते, वो मोदी जी को खुश करने के लिए, BJP को खुश करने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये षड्यंत्र बड़ा षड्यंत्र है कांग्रेस सरकार को टॉपल करने का। उसमें कई शक्तियाँ काम कर रही हैं। इनकम टैक्स छापे पड़ गए, खबर आ गई 2 दिन पहले मेरे पास, मुख्यमंत्री के चहेते जो मिलने वाले लोग हैं उनके ऊपर छापे पड़ेंगे और उन्हीं के ऊपर छापे पड़े। और आप देख लीजिए कि इतनी गुंडागिर्दी हो रही है देश के अंदर, चाहे वो आपके CBI, इनकम टैक्स, ED हो, ऐसा इतिहास में 70 साल में कभी नहीं हुआ, जब जाके देश की लोकतंत्र मजबूत हुआ था आज तक। और जिस रूप में ये खेल चल रहा है देश के अंदर, उसमें मैं फिर कहूँगा आप लोगों के बारे में, मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है, चौथा स्तंभ होता है। डेमोक्रेसी को बचाने की भूमिका मीडिया की कम नहीं होती है, अगर राजनीति की होती है तो उनकी भी होती है। गिरिराज मलिंगा जी ने तो कृपा करके आप इन बातों को समझो। अब कल राजेंद्र राठौड़ साहब और सचिन पूनिया साहब गए दिल्ली, सबको मालूम है, आंखों देखे हाल की तरह गए थे, रातों रात कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर शामिल होकर वापस आ गए और उसमें मीडिया को कह रहे हैं खंडन करें, हम तो दिल्ली गए ही नहीं। अरे झूठ छिपाने, झूठ बोलने, झूठ क्या आपको? ये झूठ इसलिए बोला गया, पायलट साहब भी हमारे जयपुर से छिपके जाते थे, उनसे सीख करके काम कर रहे हैं झूठ बोलने का।
पायलट साहब जाते थे, खुद गाड़ी चला के जाते थे। हमारी सब जो पैराफेरनेलिया है पुलिस का, सिक्योरिटी छोड़ के जाते थे, चले जाते थे, और वही काम ये दोनों कर रहे हैं। तो छिपके रहने की जरूरत क्या है? छिपके काम जो करेगा वो काम हर काम गलत ही होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। पूरा बीजेपी खेल खेल रही, सबको मालूम है किस प्रकार उनको रखा गया है, सबको मालूम है। तो इस प्रकार सबके मोबाइल ले लिए गए वहाँ पर। अब पूछिए, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो तो लोग के मोबाइल फ्री है, किसी से बात करो, कोई आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो लोग जो है बंद है, उनको बंधक बना दिया, उनमें से कई लोग आना चाहते हैं हमारे यहाँ, टेलीफोन के आ रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों में आंसू निकाल रहे हैं। कोई कहे मैं अपने नाई से टेलीफोन लेके बात कर रहा हूँ, मेरा टेलीफोन छीन लिया गया। कोई कहता मैं वेटर से टेलीफोन लेके बात करना चाहता हूँ। इस प्रकार के हालात हमारे यहाँ फ्री है, कोई आओ जाओ, टेलीफोन वाले सबके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। वेद प्रकाश सोलंकी जी के पिता भी कह रहे हैं बच्चे को रख लिया गया है वहाँ पर, वो आना चाहते हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ आपको, जिस रूप में ये खेल खेला गया है, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्य का खेल है। और एक नौजवान साथी ने एक उम्मीद करते थे कि ये व्यक्ति जो है कांग्रेस के एसेट साबित होगा, उस आदमी ने बाउंसर लगा रखे, बाउंसर बाहर नहीं निकल सकता कोई आदमी। इस प्रकार के खेल में सब कुछ मामला चल रहा है। और इस बात का मुझे दुख है कि आज राजस्थान की सरकार शानदार काम किया कोरोना के अंदर, पूरे देश के अंदर लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, राजस्थान की जनता अप्रिशिएट कर रही है, हमें हमारी जिंदगी को बचा लिया, हमारी जिंदगी को बचा लिया। यह जिंदगी जीवन और आजीविका का सवाल है, यहाँ पर शानदार मैनेजमेंट हो रहा है, उसके अंदर आप इस प्रकार की हरकतें करो, कोरोना की लड़ाई लड़ें या टॉपल गवर्नमेंट हो रही है उसकी लड़ाई लड़ें। अगर इनको कोरोना चल रहा था मध्य प्रदेश में, तब भी इन्होंने ये खेल खेला और वहाँ इतना फैल गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। यहाँ पर भी चाहते हैं सरकार की बदनामी कैसे हो, कोरोना के अंदर शानदार काम कर लिया, इसलिए चाहते हैं कि कैसे बदनामी हो, ये पूरा षड्यंत्र वो चल रहा है। ये मैं राज्य की जनता के साथ गिरिराज मलिंगा ने कहा 35 करोड़ रुपए का ऑफर सचिन पायलट ने मुझे भी दिया था। गिरिराज मलिंगा ने कहा 35 करोड़ रुपए सचिन पायलट का ने ऑफर दिया था मुझे भी। बीजेपी की इसमें कोई गलती नहीं है, सचिन पायलट ने ही जो था मुझे बुला करके कहा था। पहले चले थे, कुछ जिम्मेदारी पायलट साहब की थी, तो ऐसे मलिंगा साहब की तरह मिलने कई मिल जाएंगे आपको, कहने वाले आपको। अगर आप रिसर्च करोगे ना, आंखें खुल जाएगी हिंदुस्तान के अंदर। एक पीसीजी पहले खुद की पार्टी का हेड, खुद की पार्टी को डुबाने के लिए सरकार टॉपल करने के लिए लगा, इतिहास में ऐसा कभी नहीं सुना होगा कोई पार्टी का हेड खुद ही अपनी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र करे, ऐसा आज तक मैंने कभी सुना नहीं। ये इनका चरित्र चाल चेहरा सामने आ गया देश के सामने। आपको भी उसी टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया गया था कि इस तरह के ऑफर मिल रहे, तो आपने क्यों देर क्यों की एक्शन लेने में? क्या आपको नहीं लगता कि सचिन पायलट के साथ देर की, इसीलिए सरकार बच गई हमारी। सर कब तक सरकार होटल से चलेगा? सरकार बची और इनको हमारी होटल का बिल तो देंगे, पार्टी देगी, उनके बिल कौन देंगे पूछो उनको, हमारे बिल तो देगी कांग्रेस पार्टी देगी। न्यायालय में रुक रहे, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। सर फ्लोर टेस्ट से जाना चाहेंगे, न्याय मिलेगा हमें सर फ्लोर टेस्ट। और ये मेजोरिटी हमारे साथ में है, हमें कुछ दिक्कत नहीं है। लोग उनकी पार्टी के लोग समझ गए हैं, 40 से ज्यादा सुन रहे हैं कि उनकी पार्टी लोगों ने कह दिया है, ये कदम सरकार का आत्मघाती साबित होगा भविष्य की राजनीति के लिए, बीजेपी के लिए। ये कदम जो उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं से मिलकर के जो राजनीति हो रही है, ये कदम बीजेपी के लिए आत्मघाती होगा अगले चुनाव के लिए भी। ये चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम सुनते हैं, कैलाश मेघवाल का सुनते हैं, या वो सिंघवी साहब उनका नाम सुनते हैं, या कई नेता से हैं, बहुत ही मैच्योर हैं, समझदार हैं, अनुभवी है, वो कहते हैं कि इस प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग पहले भी कराई गई थी भविष्य के वक्त में। मैं वो था जो पीवी नरसिंह राव के पास गया, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, ये भवनलाल शर्मा थे उस वक्त में भी, मेरे पास भी आए थे। मैंने कहा मैं ऐसे कामों में शरीक नहीं हूँ,
एक मुख्यमंत्री बीमार है, जा रहा है अमेरिका, और पीछे आप सरकार बदलने के लिए षड्यंत्र करो। मैं बलिराम भगत के पास गया और अमेरिका हमारी पार्टी साथ नहीं देगी इनका, एक तो वो वक्त था। और आज बीजेपी कुछ नेता स्थानीय है दिल्ली वालों को भी इम्प्रेस करने के लिए नाटक कर रहे हैं, जो सबके सामने आ चुका है। गुजर समाज को उद्वेलित किया जा रहा है, महापंचायत की बैठकें बुलाई जा रही हैं। नमस्कार, फ्लोर टेस्ट करा रहे हैं, फ्लोर टेस्ट के लिए जाएंगे सर, फ्लोर टेस्ट के जाएंगे। भैया ये तो क्या होना है आप सब जानते हैं, हाईकोर्ट का निर्णय भी आएगा, विधानसभा भी चलेगी, सारे निर्णय भी होंगे। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मांगा है।